बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। होम एग्जाम देने पहुंची मेरठ पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग की करीब 70 छात्राओं को आज अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। कई छात्राओं ने राहगीरों से फोन मांगकर रोते हुए अभिभावकों को इसकी जानकारी दी तो सभी के पांव तले जमीन निकल गई। बताया गया कि इन छात्राओं ने फीस जमा नहीं की है। खबर पाकर हड़बड़ाते हुए अभिभावक एमपीजीएस पहुंचे। इन पेरेंट्स में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फीस जमा होने के सबूत साथ लाए थे। इसे लेकर स्कूल परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा। अभिभावकों के एकजुट होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठा तो दिया गया, लेकिन उनका करीब एक घंटा बर्बाद हो चुका था। उन्हें एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया गया। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष जूही त्यागी ने इस मुद्दे को लेकर सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर एमपीजीएस की शिकायत करने की बात कही है। वेस्टर्न रोड स्थित एमपीजीएस में इन दिनों होम एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों के शिकायत पर पहुंचे अभिभावकों को प्रधानाचार्य ने गार्ड के जरिए बाहर निकलवाने की कोशिश की। बावजूद इसके संख्या बल अधिक होने के कारण पेरेंट्स भीतर चले गए। यहां पेरेंट्स ने मैनेजमेंट के व्यवहार के प्रति खासी नाराजगी जताई। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधक की मिलीभगत से कैशियर ने मोटा गबन किया है। स्कूल ने कोरोना काल में भी जबरन फीस वसूली। कैशियर ने सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा है, स्कूल के कंप्यूटर में इसकी एंट्री नहीं की, ऐसा बताया जाता है। अब पेरेंट्स से फीस जमा करने का सबूत मांगा जा रहा है। पेरेंट्स ने यह आरोप भी लगाया कि कैशियर ने यह गबन प्रबंध समिति से मिलकर किया है। अब जब बात खुलकर सामने आई तो प्रबंध संचालक विक्रमजीत ने लिपिक श्रुतिधर त्रिपाठी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर औपचारिकता पूर्ण कर ली, जबकि त्रिपाठी 20 साल से एमपीजीएस में कार्यरत था। उसकी गिरफ्तारी अथवा पैसे रिकवरी की भी प्रबंध समिति ने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की। इस मौके पर अधिवक्ता संजय कटारिया ने यह जानकारी दी। इसके अलावा बाकी पेरेंट्स ने भी यह बताया। मेरा नाम संजय कटारिया है और मैं पैसे से एडवोकेट हूँ। और आज जब मैं कचहरी पहुँचा तो मेरी लड़की जो 9th सेक्शन में या 9th क्लास में पढ़ती है, उसका रोते हुए का फ़ोन आया कि पापा मुझे यहाँ अंदर उसमें जो है स्कूल में घुसने नहीं दे रहा, मुझे गेट के बाहर रोक दिया गया है। तब मैं क्या नाम यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा कि तमाम लोग, तमाम बच्चे उनके अभिभावकों के साथ में सब लोग परेशान हैं। उन्हें सारे बच्चों को रोक दिया, जबकि उनकी फीसें जमा है। ये कहते हैं कि बच्चों की फीस जमा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादातर बच्चों की फीस जमा है, किसी आध बच्चे की नहीं होगी। और जब से कोरोना काल है, कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, सभी का व्यापार ऊपर नीचे हुआ, सभी लोग क्या नाम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन एमपीजीएस के यहाँ के प्रशासन का और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका किसी भी तरह का सहयोग अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ में नहीं है। बार बार उत्पीड़न किया जा रहा है, इस प्रकार जो है यहाँ सभी लोग परेशान हैं। मेरे साथ में ये सब लोग जो हैं, सब इनके सबके बच्चे यहाँ किसी न किसी सेक्शन में पढ़ रहे हैं। आज कितने बच्चे बाहर निकाले हैं? 70 बच्चे थे, 50-60 बच्चे यहाँ थे। और जब यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए, जब सब यहाँ बातें हुई, उसके बावजूद इन्होंने अंदर बच्चों को बैठने दिया है। 11 बजे से एग्जाम था, 11:30 बजे बच्चों की एंट्री इन्होंने की है। इस तरीके से लगातार हरेसमेंट करते आ रहे, बार बार फ़ोन करते हैं कि फीस जमा कीजिए, अब इस चीज़ की जमा कीजिए, इस चीज़ की, कभी कोई लिखित में नहीं देते किस चीज़ की। कोरोना काल में भी गवर्नमेंट के कहने के बावजूद एमपीजीएस की कोई जो है कोई योजना ऐसी नहीं है जो बच्चों को रिलीफ दे सके, अभिभावकों को रिलीफ दे सके। और मेरी बेटियां कक्षा 9th में पढ़ती है। आज जब मैं यहाँ, मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया है और मेरी फीस पूरी जमा है यहाँ पर, फिर भी ये बाहर निकाल देते हैं और उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल दिया। जब मैंने संदर्भ में बात करी कि आपने क्यों बाहर निकाल दिया, तो प्रिंसिपल महोदय ने ये कहा ऐसा शासन आदेश है, जियो है, और जियो की कॉपी मांगी गई तो कोई जियो प्रोवाइड नहीं कराया गया। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर बच्चों को डराने धमकाने का, इसका मैं विरोध करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा साथ आज यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है, बच्चों को घर से, स्कूल से बाहर निकाल कर गेट पर खड़ा कर दिया। देखो, ये हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? बस मेरा यही एक सवाल है कि ये हमारे बच्चों साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है ऐसा। वहीं इस बारे में प्रबंध संचालक विक्रमजीत से संपर्क नहीं हो पाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना
बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।